हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल ब्लूम होम कुकिंग में स्वागत है। और आज हम कुछ देखने में सुंदर और खाने में चटपटी चीज़ बनाएंगे। देखिए ना, कितना प्यारा खूबसूरत लग रहा है ना देखने में, और टेस्टी भी लगता है खाने में। तो आज हम बनाएंगे दाबेली। चलिए हम शुरू करते हैं। हम पहले दाबेली मसाला बनाएंगे। मार्केट में भी अवेलेबल होता है, बट मेरे साइड ये दाबेली मसाला नहीं मिलता है, तो मैं घर पे बना रही हूँ। हम 2 चम्मच धनिया पाउडर लेंगे, आप खड़ी धनिया भी ले सकते हैं। 1 चम्मच हम खड़ा जीरा लेंगे। ये 8-9 काली मिर्च, 5-6 लौंग, 2-3 बड़ी इलायची, 1 चम्मच सफ़ेद तिल, 1 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच घिसे हुए नारियल और खड़ी दालचीनी, आप देख सकते, 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा हल्दी, फिर काला नमक 1/2 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच अमचूर, 4-5 खड़े मिर्च और 1 इंच अदरक के। अभी तक मैंने गैस नहीं ऑन कर रखा है। पहले आप सारे मसालों को मिला लीजिए, नहीं तो मसाले जलने लगें, क्योंकि कुछ पाउडर हैं और कुछ खड़े मसाले हैं, इसलिए पहले अच्छे से मिक्स कर लें और गैस को ऑन करें। लो फ्लेम पे इसे आप पकाएंगे और चीनी गलने से पहले तक ही पकाएंगे। ये नहीं कि आप चीनी पूरी गला दें, बस आप गैस ऑन करके हल्की सी स्मेल आने लगे तो आप पका दें। हाँ सॉरी, मैं तेज़पत्ता डालना भूल गई थी, 2 तेज़पत्ता डाल के अब गैस ऑन करके इस मसालों को पका लीजिए, और खुशबू आने तक चीनी गलने से पहले ही आप मसालों को बंद कर दीजिए। ये मसाले अब एकदम अच्छे से पक चुके हैं, भुन चुके हैं, इसमें से अच्छी स्मेल आ रही है और देखने में भी अच्छा लग रहा है ना, क्यों अच्छा लग रहा है ना। अब मसालों को आप ग्राइंड कर लीजिए। देखिए मसाले अब ग्राइंड हो चुके हैं। आप एक प्लेट में इसे निकाल कर इसे एक साइड रख दीजिए। दाबेली ढेर सारे इंग्रेडिएंट का एक कॉम्बिनेशन है, एकदम चटपटा, तीखा, मीठा, क्रंची, सब फ्लेवर इसमें आता है। उसी फ्लेवर का एक हिस्सा है ये रोस्टेड पीनट। हम लोग 1 कप रोस्टेड पीनट लेंगे, उसमें जो हमने दाबेली मसाला मिलाया है वो डालेंगे, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो देखने में कलर बस देता है, तीखा नहीं होता, और प्लस 1 चम्मच अमचूर डालेंगे और इससे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। पहले से ही हमारा पीनट पका हुआ है, बस थोड़ा सा मसाले को तेल के साथ पीनट में पका लेंगे और ये भी हमारा रेडी हो गया। पीनट को हम कटोरी में निकाल के एक साइड रख देंगे। इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है, बट मेरे कैमरे क्वालिटी की वजह से ये उतना अच्छा कलर दिख नहीं रहा है कैमरे में। मेरे मोबाइल के कैमरे के इशू है, मेरे कैमरे का नहीं। अब हम इमली की चटनी बनाएंगे। हम एक पैन रखेंगे। मैंने इमली को गर्म पानी में भिगो के रखा था, उसके पल्प को एक्सट्रैक्ट करके मैंने फ़िल्टर कर लिया है, और उस पानी फिल्टर पानी को मैंने पैन में डाला है। अब इसमें हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे कलर के लिए, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 2 चम्मच हम चीनी डालेंगे और फिर इसे अच्छे से मिला लेंगे। इमली की चटनी को गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे। देर पकने के बाद देखिए हमारी इमली की चटनी पक चुकी है। अब हम गैस बंद करके इसे एक साइड निकाल के रख देंगे। अरे दाबेली के लिए मसाला पीनट बन गया, इमली की चटनी भी बन गई। अब हम आलू बनाएंगे फिलिंग के लिए। बनाएंगे ना भाई, क्योंकि दाबेली तो खट्टी मीठी तीखी यम्मी। हम एक पैन रखेंगे, उसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और 3 बॉयल आलू को हम मैश करके उसमें डाल देंगे। किसमें? पैन में, कहीं और मत डाल देना। अब इसमें हम 2 चम्मच दाबेली मसाला डालेंगे। हाँ वही दाबेली मसाला जो स्टार्टिंग में हमने बना के एक साइड रखा हुआ है। भाई बहुत मेहनत से बनाई है, दाबेली मसाला हर जगह डालना है। और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च किसके लिए? रंग के लिए। और नमक अनुसार, स्वाद अनुसार नमक, उल्टा हो गया थोड़ा। फिर आप इसे अच्छे से मिक्स, मैं तो भूल गई, 2 चम्मच इमली की चटनी भी डाल दीजिए, तो खट्टा मीठा दाबेली, एवरी टेस्ट यार, बार बार क्यों रिपीट मैं करूँ।
तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मसाला अच्छे से आलू में घुल जाए इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे अच्छे से मसाला बन जाएगा और एकदम ड्राई आलू भी नहीं रहेगा। ठीक, तो इसे थोड़ी देर पानी थोड़ा सा डाल के इसे सारे मसाले मिला लीजिए और फिर इसे थोड़ा सा पका लीजिए, मतलब पानी सूख जाए, एकदम भी सूखा ना हो जाए, एकदम ड्राई नहीं। ठीक, थोड़ा वह देखिए आलू अब पक चुका है एकदम अच्छे से। अब हम इसे एक साइड निकाल के रख देंगे प्लेट में। देखिए प्लेट में मैंने निकाल दिया। अब हम तीखी चटनी बनाएंगे। मैंने लाल मिर्च, सूखा लाल मिर्च को गर्म पानी में भिगो के रखा हुआ था। मैं आप यार 4-5 डाल सकते हो, मैं ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि मैं तीखा ज़्यादा खाती हूँ। और जिसमें मैंने भिगोया हुआ था वो पानी और लहसुन और आधा नींबू आप इसमें निचोड़ लीजिए, और प्लस थोड़ा सा भुना हुआ मूंगफली डाल दीजिए, जिससे टेक्सचर इसका बहुत अच्छा आएगा, थिक थिक अच्छा, एकदम लिक्विड जैसा नहीं रहेगा। और नमक स्वाद अनुसार आप सबको ग्राइंड कर लीजिए। ये हमारी चटनी बन गई है। अब इसका भी कलर अलग ही आ रहा है, अब मैं क्या करूँ, सामने से कलर कुछ और है इसमें। अब चलिए हम अपनी दुकान से जाते हैं दाबेली वाली। क्या करते हैं, पहले तो आलू हमने प्लेट में निकाल ही लिया है, अब उस पर हम घिसा हुआ नारियल ढेर सारा डाल देंगे। ढेर सारा क्या, अब पूरा नारियल ही नहीं डाल, बस उसको कवर कर देंगे, अच्छा लग रहा है। अब इस पर थोड़ा सा पीनट डालेंगे, मसाला पीनट, थोड़ा सा उसको दबा दबा के। यार दुकान बना रहे हैं अपनी तो थोड़ा टेस्टी दिखना चाहिए ना। तो अब इस पर कटा हुआ धनिया प्याज सब डाल के स्प्रिंकल कर देंगे, और ऊपर से थोड़ा सा अनार के दाने। अच्छा आप बताइए देखने में कैसा लग रहा, लग रहा है ना चटपटा सा। चलिए आगे का प्रोसेस और भी चटपटा तीखा लगेगा। पहले हम अपनी पूरी दुकान सजाते हैं। दुकान पे तीखी चटनी है, मसाला पीनट है, इमली की चटनी है, सेब है, और मिर्चा, धनिया, प्याज और अनारदाने भी हैं। चलिए अब हम अपने दाबेली को भरते हैं। मेरे साइड दाबेली पाव भी नहीं मिलता, तो पाव भाजी वाला जो पाव होता है मैंने दो दो पीसेस ले लिए एक साथ कि सही रहेगा, 20 से मैंने उसे काट लिया। सबसे पहले हम इसमें तीखी चटनी लगाएंगे दोनों साइड, ऊपर नीचे। अगर आप कम तीखा खाना चाहेंगे तो आप एक ही साइड तीखी चटनी लगा लीजिए। फिर उसके बाद हम उसमें इमली की चटनी लगाएंगे। लगाने के बाद अब इसमें हम आलू डाल देंगे। आलू में वैसे हमने सारे मटेरियल डाल रखे हैं, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा हर चीज़ खानी है तो आप इसमें पीनट मसाले डाल दीजिए, प्याज और धनिया डाल दीजिए, और थोड़ा सा सेब डाल दीजिए। देखिए हमारी कलरफुल दाबेली, क्या यम्मी, कितनी टेस्टी लग रही है। फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। हम पैन लेंगे, पैन में बटर डालेंगे, एकदम अच्छे से बटर डालेंगे। बटर में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ठीक। बटर थोड़ा मेल्ट हो जाएगा, फिर हम इस पर दाबेली डाल देंगे, जो हमने दाबेली फिल करके रखी हुई है उसे। दाबेली जब एक साइड सिक जाएगी तो हम दूसरे साइड भी इसे पलट के अच्छे से सेक लेंगे बटर डाल के। मैंने बोला ना बटर में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, तो बटर डाल के हमने दोनों साइड को दाबेली को सेक लिया है। देखिए हमारी दाबेली बटर में सेक चुकी है। अब इस पर हम सेब लगाएंगे। सेब लगाने के लिए देखने में यार डेकोरेशन होनी चाहिए ना, हर चीज़ में, गार्निशिंग होनी चाहिए ना। अब सेब में हर साइड, अगर आपका सेब ना चिपके दाबेली पे तो इमली लगा लीजिएगा चारों साइड, और वो अच्छे से चिपक जाएगी। देखिए देखने में कितना टेस्टी लग रहा है ना यार, मेरा तो खाने का मन अभी से करने लगा। आपका कर रहा है कि नहीं मन खाने का? कर ही रहा होगा, तो इसलिए ज़रूर ट्राई करिएगा घर पे, और बताइए कैसी ये रेसिपी लगी, बताएंगे ना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, मेन काम, मुद्दा क्या है, क्या आप मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। देखने के लिए थैंक यू।